तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, बैटल पास वाला मॉन्स्टर और संडी दोनों रेडी हो चुके हैं, बस मेरे को हैच करना है, मतलब प्लेस करना है। तो चलो भाई, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मॉन्स्टर भी मेरे को मिल चुका है, तो ये ब्रीडिंग इवेंट से मिला है मेरे को। और यहाँ पे ये बैटल पास वाला भी हो चुका है रेडी, तो अभी मैं क्रिसमस वाले चैलेंज में खेल पाऊंगा। और यहाँ पे संडी भी रेडी हो चुका है, तो सबसे पहले हम संडी को प्लेस करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास हैबिटेट नहीं है भाई, क्या ही बोला जाए। चलो वोल्ट में प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे एक अनलॉक करते हैं स्लॉट। तो यहाँ पे स्पेशल अटैक देखते हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे वाटर से, चलो ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया अटैक था। अभी फूड भी खिलाऊंगा, एक और अनलॉक कर देता हूँ। काफ़ी सारे अनलॉक कर सकता हूँ तो अनलॉक कर देता हूँ। तो अभी डार्क वाले को भी प्लेस करते हैं। तो अभी के लिए मैंने वोल्ट में प्लेस कर दिया है। और अटैक तो काफ़ी बढ़िया है इसका, ओके। तो बाद में मैं इसको हैबिटेट में प्लेस कर दूंगा। तो चलो भाई, अभी ज़रा मैं फटाफट से इनको फूड खिला देता हूँ। तो सबसे पहले खिलाना पड़ेगा इस डार्क वाले को, क्योंकि इसको मेरे को यूज़ करना है। तो 4.16 मिलियन फूड है, फटाफट से इसको खिला देता हूँ। यहाँ पे लेवल 6 का हो चुका है, न्यू स्किल्स अनलॉक। तो फटाफट से मैं इसको लेवल 100 का करता हूँ, यहाँ पे लेवल 10 का। और अभी इसको फूड खिला देता हूँ। तो ये डार्क का मॉन्स्टर है, डूम्स डेरा का। तो यहाँ पे 50 लेवल का हो चुका है, और 60, 70 और 80 का भी हो चुका है, 90 का भी हो चुका है, 100 का तो हो जाएगा। चलो 100 का कर दिया। और संडी को भी कर देते हैं। तो अभी मैं संडी को फूड खिला देता हूँ। यहाँ पे भी न्यू स्किल अनलॉक। तो मेरे को नहीं लग रहा है संडी लेवल 100 का हो पाएगा, फ़िलहाल देखते हैं। तो 60 लेवल का हो चुका है, और यहाँ पे 70 तो चलो भाई, फूड ख़त्म हो गया, 98 लेवल का तो कर दिया मैंने। और अभी मैं शायद से इसको रैंक अप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी रैंक अप में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर रैंक अप में लगा दिया तो फिर शायद से मैं वहाँ पे यूज़ ना कर पाऊँ। तो चलो अभी मैं सीजनल डंजन में चलता हूँ। तो क्रिसमस 21 वाले डंजन में चलता हूँ, यहाँ पर फ़ाइट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर फ़ाइट करके। अरे यार, मैंने टीम चेंज नहीं करी, इसको पहले मैं एग्ज़िट करता हूँ, दोबारा से फ़ाइट करता हूँ। यहाँ पर चेंज टीम, यहाँ पे बढ़िया सा मॉन्स्टर लगाते हैं पहले इसको, और अभी ज़रा मैं फ़ाइट करता हूँ। तो सबसे पहले कौन सा अटैक मारूँ, ट्रिपल अटैक भी है तो ट्रिपल अटैक मार देता हूँ। ओके, शील्ड लगा ली। पॉइजन कर दिया, मिस हो गया, डैमेज तो बहुत कम कम हो रहा है। चलो रीजनरेशन भी लगा लिया मैंने, इसको ही डैमेज करना पड़ेगा। एक मॉन्स्टर फिनिश कर दिया, इसको फिनिश। अरे भाई, ये फिनिश हो जाए ना तो मैं शायद से जीत जाऊंगा। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल अटैक आ जाए तो ठीक रहेगा। और ये लगभग फिनिश हो ही चुका है, एक बार इसकी शील्ड फिनिश, तो ये भी फिनिश। चार्ज करना पड़ेगा। चलो ये आर्मर क्लॉ फिनिश। तो डार्क हुक से इसकी शील्ड फिनिश कर दी। अभी मेरे को ये वाला लगाना पड़ेगा, वरना ये मॉन्स्टर फिनिश हो जाएगा मेरे को लग रहा है। और हो भी गया फिनिश, चार्ज करना पड़ेगा। फिनिश है यार, नहीं यार, क्या करूँ अब मैं। इस पर डैमेज हुआ, इसने वापस करा। यार नहीं यार, लगभग जीतने ही वाला था, फिर से हार गया मैं, क्या करूँ अब। और कौन सा मॉन्स्टर यूज़ करूँ, चेंज करते हैं टीम। तो भाई अभी मेरे को रैंक अप करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, तो रैंक अप कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ रैंक अप में मैं इसको रैंक अप कर देता हूँ, रैंक अप होने के बाद देखेंगे। फिलहाल क्राफ्टिंग में इस मॉन्स्टर को मैं क्राफ्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है। और अभी के लिए चलो हम संडी को भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से ये जितनी भी चेस्ट पड़ी है मेरे पास, इनको ओपन कर देता हूँ। ये टीयर 6 वाली ओपन कर देता हूँ, स्किप 200 मिल गए। यहाँ पर टीयर 5 की मिली, मतलब टीयर 5 की ओपन कर देता हूँ, इसको भी स्किप करता हूँ, 45 मिल गए। और टीयर 1 वाली भी ओपन कर देता हूँ, और इसमें मिल गए 2। और यहाँ पे सबसे पहले टीम चेंज करता हूँ, और लकी क्लिंट को हटाने के बाद यहाँ पे कहाँ चला गया। तो यहाँ से मैं मिथिक करके यहाँ से वाटर हैबिटेट वाले मॉन्स्टर्स देख लेता हूँ। तो यहाँ पे संडी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे फाइट करते हैं। और यहाँ पे फाइट करते हैं लेजेंड्री मॉन्स्टर से तीनों, तो यहाँ तो ईजिली जीत जाएंगे स्टोलन विटमिन से। तो यहाँ पर विक्ट्री हो गई, फिलहाल रिजल्ट देखते हैं हम। यहाँ पर 20 चैलेंज पॉइंट मिल गए मेरे को। तो यहाँ पे टीयर 1 की चेस्ट मिल गई, और इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ।
तो इसमें हेमन है लेजेंडरी मॉन्स्टर, तो स्टोलन विट मीन्स एक मॉन्स्टर तो फिनिश क्विक मनी से, एक और फिनिश टर्नेट ब्लू जीजी बॉयज ओके होल्ड माय बास्केट, चलो ये वाला अटैक मारता हूँ, ड्राउन हो गया वो, पॉइजन भी हो गया और यहाँ पे ब्लीडिंग तो हो ही रही है। यहाँ पे फिर से चैलेंज कंप्लीट और 10 चैलेंज पॉइंट, और यहाँ पे टीयर 3 की चेस्ट, इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, एक और स्लॉट खाली है, इसको भी फाइट करके कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टोलन विट मीन्स, और यहाँ पे लकी क्लीन ने अटैक कर दिया है, मैंने भी दो मॉन्स्टर फिनिश कर दिए। तो यहाँ पे टीयर 4 की चेस्ट मिल गई, तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। तो अभी के लिए मेरे को थोड़ा फूड ग्रो करना पड़ेगा पहले, तो फूड ग्रो कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे इसको क्लेम कर लेते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं, पे कर देते हैं इसको, और यहाँ पे 1.67 मिलियन गोल्ड पे कर देते हैं, इसको पे कर देते हैं फूड, और ऊपर वाले में चलते हैं रूनस वाले में, और यहाँ पे इसको क्लेम करते हैं, और इसको क्लेम कर लेता हूँ, और 1.4 मिलियन गोल्ड भी पे करना पड़ेगा तो इसको पे कर देता हूँ, और एक स्ट्रेंथ का लेवल 2 वाला रून भी पे करना पड़ेगा, और एक स्टैमिना का लेवल 2 वाला रून, इसको भी पे कर देता हूँ। इसके तो मैंने काफ़ी सारे अनलॉक कर दिए, इसको भी पे करता हूँ। तो और बाकी तो मेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो भाई इस बैटल पास वाले मॉन्स्टर को मैंने लगा दिया रैंकअप में, तो जैसे ये रैंकअप हो जाएगा ये स्ट्रांग भी हो जाएगा, तो उसके बाद मैं ब्रेकआउट भी कर दूंगा। तो चलो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।